सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। और आप सबको याद ही होगा, हमने एंड में बात करी थी कि अपने ट्रेडर शॉप के ऊपर हम एक थर्ड फ्लोर भी बना सकते हैं, और यहाँ पे हमने आज बनाना है थर्ड फ्लोर। और तुम्हें पता होगा कल भाई शाम को पोकेमॉन की वीडियो नहीं आई थी, आई नो, मैं जानता हूँ। तो चलो अभी देखो, मैं इधर पे चढ़ रहा हूँ और यहाँ पे आ चुके हैं। और हाँ, पिछले वाले एपिसोड में तुम कहते वॉर्नट के कि आवाज़ ऊपर नीचे थी, तो मेरे हिसाब से मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लगा होगा कि आवाज़ ना आगे पीछे है। तो यहाँ देखो, मेरे को वॉल्स लगानी है सिंपल्स, और अपनी शॉप को ना थर्ड फ्लोर पे लेके आना है। और तुम जानते हो कि भाई थर्ड फ्लोर बनाना इतना आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, तो मैंने सोचा था भाई थर्ड फ्लोर बना लूँ। और यहाँ पे देखो, मैं काफ़ी सारे फर्नीचर्स के प्रोडक्ट भी रख सकता हूँ, बट बेड नहीं रख सकता यहाँ पे। और मेरे को चाहिए काफ़ी सारे वॉल्स, क्योंकि मैंने एक वॉल्स लगाया, मैंने वॉल्स बाय ही नहीं करे हैं। और यहाँ पे मैंने अभी स्टेयर्स भी नहीं बनाया यार, ट्रक और इनके ज़रिए मेरे को चढ़ना पड़ रहा है। तो चलो, आज हम करने वाले हैं स्कूटर पर सवारी, और आज चलते हैं हम फर्नीचर शॉप पर, लेके आते हैं काफ़ी सारी वॉल्स। और वॉल्स लाने के बाद आज बनाने वाले हैं अपना थर्ड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर बनाने के बाद स्टेयर्स भी बनानी है। बट मैं अपर मतलब यार उसकी ना छत का सोच रहा हूँ कि कैसे बनाऊँ, उसे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है, गाड़ी नहीं स्कूटर भाई, आज बिना हिले स्कूटर हमारा चल रहा है। खुद सोचो तो, मतलब कहीं को गिर नहीं रहा, बाई चांस अगर गिरता है तो भाई इसका बहुत तगड़ा एक्सीडेंट होगा। और ये स्कूटर ना, सही बोलूँ भाई, बहुत मुश्किल से मैं बोल रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इस स्कूटर को मैं लेके आता हूँ। तो ठीक है, अभी ना मैं चलता हूँ इसकी शॉप पर। बट ये तो भाई, ये स्कूटर किसी काम का नहीं है, यहाँ से देखो आगे भी नहीं बढ़ रहा इस रोड से। चलो छोड़ो, इस स्कूटर का हमने क्या ही करना है, अभी के लिए मैं अपनी शॉप पर चलता हूँ। और अपनी शॉप पर नहीं, मतलब फर्नीचर शॉप पर, वहाँ पर मैं लेता हूँ काफ़ी सारे वॉल्स, जिससे कि मेरा काफ़ी सारा काम बनेगा। तो चलो, यहाँ पे मैं पहले ना काफ़ी सारे वॉल्स बाय कर लेता हूँ। ठीक है, देखो मैंने कम से कम भाई 30 से 40 वॉल्स लिए होंगे। एक डोर फ्रेम लिया है, एक डोर लिया है, बाकी मैं कुछ भी नहीं लेने वाला, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तभी लेंगे अभी हम। तो चलो अभी ना मैं चलता हूँ अपनी शॉप पर, और वहाँ पर काम करना है आज, वॉल्स लगाने हैं। चलो अभी के लिए यहाँ पर मैं शॉप पर तो आ चुका हूँ, पर अभी मेरे को ऊपर चढ़ना है यार इन गाड़ियों से। देखो यार, इसके लिए स्टेयर्स बनानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, स्टेयर्स मैं बनाने वाला हूँ बॉक्सेस से। और यहाँ पे हमारी शॉप ने 20,000 का प्रॉफिट लिया है, तो ठीक है भाई, दुकान काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो अभी के लिए मुझे ऊपर चढ़ना है यहाँ से। देखो यार, ट्रक से जैसे तैसे करके मैंने बनाया है इसे, बस ऊपर पहुँचा देता है, ये बहुत है, ये लास्ट बॉक्स है। तो चलो मैं आ चुका हूँ छत के ऊपर फाइनली, बस यहाँ मेरे को अब वॉल्स लगानी स्टार्ट करनी है। और मैंने कितनी वॉल्स कमाई, दो मिनट, बाय करी थी, देखता हूँ मैं, 34 वॉल्स बाय करी थी, मतलब मैंने 30 सोचा था वैसे, बट 34 हो चुकी है। तो ठीक है, यहाँ पे ना मैं वॉल्स को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तुम्हें पता है वॉल्स लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, बट ठीक है, आज हमारा भाई बहुत टाइम जाने वाला है, पर हम आज दिखाएंगे थोड़ा लगा लोगों के, क्योंकि तुम्हें मैं बता दूँ, कल तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाया, शाम को इवनिंग में वीडियो भी नहीं डाल पाया, और आज भाई 9 बजे की वीडियो भी नहीं डाल पाया, तो इस करके मेरे पास टाइम लगा नहीं। तुम्हें पता है कल फेस्टिवल था, तो इस करके मेरे पास टाइम नहीं हुआ कि भाई मैं डाल सकूं, पर कोई बात नहीं, आज हम शाम की वीडियो डालते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे को ना वॉल्स लगानी है काफ़ी सारी, बट इन वॉल्स को ना भाई सही तरीके से लगाना पड़ेगा मुझे। वेट, इन्हें ना मैं सही तरह से, दो मिनट, ये ना काफ़ी ज़्यादा अलग लग चुकी है यार वॉल्स, एक सेकेंड, इसको मेरे को इसके साथ ज्वाइन करना है बस, और ये परफेक्टली लग जाएगा, दो मिनट ज्वाइन होना। ठीक है, सारी वॉल्स ज्वाइन हो रही हैं अच्छी खासी, बस मेरे को ऐसे ही वॉल्स को ज्वाइन करना, वॉल्स बोल रहा हूँ वैसे मैं, वॉल्स को ज्वाइन करना है, और अपना थर्ड फ्लोर क्रिएट हो जाएगा इसी के साथ। और मैंने ना देखो यार कुछ प्रोडक्ट रखे हैं, जिससे कि मैं सेल करके देख रहा हूँ ऊपर, मैंने ना इसलिए रखे, वो डॉग पेट का तुमने सामान देखा होगा ना, वहाँ पे मैंने बॉक्सेस रखे हैं उनके, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वो सेल होंगे या नहीं, बस मेरे को ये पता करना है, अगर सेल होगा तो काफ़ी अच्छी हमारी थर्ड फ्लोर की भी शॉप बन सकती है उसे देखा जाए। तो चलो अभी ना मैं यहाँ पे इसे करता हूँ, अगर थर्ड फ्लोर की शॉप बनी तो मैं ना फोर्थ फ्लोर का भी ट्राई करूँगा, और उसे पता है कैसे बनाएंगे हम, बॉक्सेस से। अब तुम जान लो भाई बॉक्स कितने सारे लगेंगे, और वो वाला हमारा फ्लोर होगा बॉक्स फ्लोर। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे बॉक्स लग चुके हैं फाइनली, और बॉक्स वॉल्स लग चुके हैं, थोड़ा बहुत देखो पीछे की तरफ स्पेस है,
तो एक वॉच तो मैं ऐसे ख़राब नहीं कर सकता, तो ठीक है जितना स्पेस बचा हुआ है कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इसे बाद में। और यहाँ पे मेरे पास और वॉच है ना, इन्हें मैं जल्दी जल्दी लगाता हूँ। और ना पीछे की तरफ देखो यार, गोडाउन है वहाँ पे ना, मेरे को लग रहा है ना डोर फ्रेम एक और लगेगा। एक मेरे को फ्रंट साइड पे डोर फ्रेम लगाना है, एक बैक साइड पे लगाना है, तो देखेंगे कैसे काम बन सकता हमारा, वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है, और पहली बार हो रहा है यहाँ ट्रेडर लाइफ में कि हम एक भाई छत के ऊपर इसकी सेकंड फ्लोर पे एक थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, सही में क्रेजी है भाई ये। तो ठीक है, बट हमारा एक्सपेरिमेंट काम आ जाना चाहिए। तो चलो अभी ना मेरे को यहाँ पे ना एक डोर फ्रेम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है अंदर एक रास्ता बन सकता है, और शायद से वो भी एक और हमारा गोडाउन बन जाए, जिससे कि हमारा ना काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो चलो अभी ना मैं इस पर डोर फ्रेम लगा के देखता हूँ। बट एक सेकेंड, मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? 2 मिनट रुको, मैंने एक बार ट्राई तो नहीं करा, बट अच्छा यहाँ पे ना मेरे को लग रहा है यार छत है ना, तो छत को टाप के मैं उस साइड जा सकता हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, इसको ना मैं बंद ही कर देता हूँ। क्या करूँगा यार ओपन करके ना इनको, फालतू में मैं ओपन करूँगा अभी इस गोडाउन को। उधर से ना टाप के जाना पड़ेगा, और मेरे को अभी स्टेयर्स देखनी पड़ेगी भाई, परफेक्टली लगाना पड़ेगा इस रूम को ना, मेरे को परफेक्टली बनाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वैसे इस रूम में प्रोडक्ट्स लगाने में, बट हम लगा लेंगे। तो चलो ठीक है, इतनी वॉल्स मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं, और वॉल्स हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करते हैं, और फिर तो मैं दिखाता हूँ मेरा ये जो रूम है वो कैसा लगने वाला है। तो फाइनली फाइनली गाइस, हमारा काम कंप्लीट तो हो चुका था, बट अभी भी यहाँ पे एक कमी थी, थोड़ी बहुत वॉल्स की कमी थी और एक डोर फ्रेम की कमी थी। तो मेरे को डोर फ्रेम लगाना था, तो मैंने एक डोर फ्रेम लगाता हूँ। वैसे मैं फ्रंट साइड पर लगा रहा हूँ, एक बैक साइड में बाद में लगा दूंगा। तो ठीक है, अभी ना मेरे को फ्रंट साइड से दिखाना था ये डोर, बट इसे मैं यार रोटेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है। अगर ये फास्ट होता तो इसे मैं भाई शिफ्ट दबा के इसे मैं फास्ट कर सकता था। मैं देखता क्यों नहीं हूँ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। तो चलो फाइनली मैंने इसे कर लिया है कंप्लीट, और यहाँ से मैं भाई देखो यार थोड़ी बहुत ना छत फंस रही है, बट ये समझो कि मैं यार ट्राई कर रहा हूँ इसको बनाने का अच्छी तरह। तो ठीक है, यहाँ से ना मैं नीचे आना था क्या? मुझे लग रहा था कि नीचे आना था। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना डोर फ्रेम के पास ना एक स्टेयर से बना दूं, जिससे कि ना मैं इसके ऊपर चढ़ पाऊँ यार इन छत के। तो 2 मिनट रुको, अगर यहाँ पे परफेक्टली काम कर गया है हमारा बॉक्स, ऊपर नहीं लगाना है उसे से, तो हम काफ़ी आसानी से ना ऊपर चढ़ पाएंगे। तो ठीक है, मैंने ना इसे लगा तो दिया है, बस इसे देखना है कि मैं आपसे चढ़ पाऊँगा। अरे यार मेरा सर ही इसके ऊपर लगेगा यार, इसमें नहीं हो सकता मेरा काम कंप्लीट इसमें। कोई बात नहीं, देखेंगे हम नेक्स्ट ट्राई में। तुम सब मेरे को कमेंट करके बता सकते हो इसको मैं कैसे लगा सकता हूँ, और कोई तरीका बता सकते हो जिससे कि मैं ना और चीज़ें इसमें अपग्रेड कर सकूँ। अपने आप ही हमें बिल्ड करना पड़ेगा और अपग्रेड करना पड़ेगा, तो तुम सब मेरे को कमेंट में बता देना। तो ठीक है, फाइनली मैंने वो वॉल भी लगा लिया था, बस ये आखिरी की वॉल्स लगनी है। तो ठीक है, मेरे पास अभी कितनी वॉल्स पड़ी है, 5 वॉल्स पड़ी हुई है मेरे पास। तो डन, यहाँ मेरा काम बस कंप्लीट ही होने वाला है। और इस गोडाउन में भाई, मतलब इस वाली शॉप में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, नीचे भी इतना स्पेस मिलता है, पर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिला है। तुम्हें ना मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, मेरे को ना इस वाली वॉल्स को सही तरह लगा दो। ये वाली वॉल ना मेरी परफेक्ट लगी नहीं है अभी, तो ठीक है मेरे को लगता है कि ये परफेक्ट लग चुकी है। ठीक है, डन डन। और यहाँ देखो अपनी शॉप का एरिया कितना ज़्यादा है, और हमारी एक शॉप बन चुकी है, एक थर्ड फ्लोर बन चुका है। बस इस पे हमें ट्राई करना भाई इसकी छत का, जो कि मैं डाल के ट्राई करूँगा। और सोच रहा हूँ भाई एक बॉक्स लेके आना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा ऐसे। तो मैं रुको, ये वाला मैं बॉक्स लाया था ना, इसको मैं लगा के भाई ट्राई करता हूँ उसकी छत पे चढ़ने का। और यार ऊपर की तरफ एक बॉक्स भी लगाना है, तो ठीक है अभी इसकी छत के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा यार। तुम सबको ही पता है कि क्या रखें यार, मेरे को ना कमेंट में तुम सब बता सकते हो। छोटी चीज़ नहीं यार, थोड़ी बड़ी चीज़ बताना जो कि ना मैं इसके ऊपर रख पाऊँ। और बॉक्स है ऐसी चीज़ जो कि मैं ना किसी भी चीज़ के ऊपर रख सकता हूँ। तो ठीक है अभी ना मैं इसको उठाता हूँ, 2 मिनट को यहाँ पे इसे उठा लिया फाइनली। और बॉक्स में लगा तो पा रहा हूँ, बट यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस पे ना मैं लगा नहीं पा रहा बॉक्स, तो इसको ऊपर से कवर करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बट क्या करूँ यार, ये बॉक्स लग तो जाएगा, देखो ऐसे करके मैं बॉक्स लगा तो लूँगा, बट कुछ जगह शायद से ना लग पाया तो मेरे साथ ना सीन क्रिएट ना हो जाए। वैसे मैं लगाने के बाद बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख सकता हूँ, तो ठीक है देखो बॉक्स से कुछ हमारा ऊपर छत का काम बन जाएगा, और मैं इसे कोशिश करूँगा कि लाइव में करके दिखा सकूँ तुम सबको। और यहाँ मेरे पास एक रूम सेट बन चुका है पूरा का पूरा, 2 मिनट यहाँ, 3, 2, 3 भाई यहाँ मेरे पास ये 9 प्रोडक्ट, नहीं 9 भी नहीं, 3, 3, 6, 8 प्रोडक्ट है, मतलब 2 सेल हो चुके। और मैंने कम से कम इसमें
10 प्रोडक्ट रखे थे, मतलब हमारा काम बन गया, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो भी इसमें सेल हो रहे हैं। तो मैं देखो इस वाले रूम को चाहे मैं क्रिएट करूँ एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, या फिर इसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ एक भाई ग्रोसरी शॉप पे। तो तुम सब मेरे को कमेंट करके बताओ किस में से कन्वर्ट करना चाहिए, कि हमें इलेक्ट्रिकल शॉप खोलनी चाहिए थर्ड फ्लोर पे, या कि कोई ग्रोसरी की। ठीक है, अभी के लिए ना मेरे को यहाँ देखो स्टेयर्स बनानी है, और मैं देख रहा हूँ कि कौन सी जगह काफ़ी ज़्यादा सही होगी। तो ठीक है, देखो हमारे पास काफ़ी सारे बॉक्सेस तो पड़े थे, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं इन्हें लगाने के लिए लाया था, पर अभी देखो कोई आइडिया हमारा कंप्लीट हो जाए तो वो भी ठीक है ना। तो ठीक है, अभी के लिए मेरे को इन बॉक्स को स्टेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो चलो अभी ना इन बॉक्स को लगा सकता हूँ। और इन बॉक्स का ये फ़ायदा है कि इन बॉक्स को मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, तो इसलिए मेरा इतना प्रॉफिट होने के बाद मैं लगा सकता हूँ जब बॉक्सेस को, तो आराम से लगा लेता हूँ ना। तो ठीक है, बस मेरे को ना इनको परफेक्टली लगाना है, तो दो मिनट रुको, यहाँ पे ना ये वाला बॉक्स तो ठीक है, बट अगर मैं इसको इसकी दो मिनट भाई आराम से लग जाना। तो ठीक है, फाइनली हमारा ये काम हो चुका है, बस ऐसे ही मेरे को ना सारे बॉक्स लगाने हैं। ठीक है हो गया ये वाला बॉक्स, तो ऐसे ही ना मेरे को ऊपर तक ये सारे बॉक्स लगाने हैं। तो चलो आज तुम देख भी लो कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन बॉक्सेस को लगाने के लिए, बस मेरा काम बन जाए वो बहुत है। तो ठीक है, देखो मैंने ऊपर की तरफ वॉल्स भी लगा दी हैं, कंप्लीट कर दी हैं। और हाँ एक बात और, मैं ना कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा भाई, थोड़ा बिजी हूँ, बस मैं लाइक देखो सबके कमेंट कर रहा हूँ, बस मैं जवाब जल्दी दूंगा एक दो, मतलब जबकि मैं थोड़ा फ्री सा हो जाऊँ वीडियो भी बनाने के। और यहाँ घर का काम तो कंप्लीट कर लिया मैंने, बस मतलब असली वाला घर का काम भाई, थोड़ा काम होता है हमारे घरों पे भी। तो ठीक है, तो सबसे छोटा हूँ तो समझो कि मेरे से ही सारे काम करवाते हैं अभी। तो ठीक है चलो, यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट, बस स्टेयर्स को बनाना है, और स्टेयर्स बनने के बाद मैं आराम से ऊपर छा पाऊँगा। पर एक प्रॉब्लम है, इन पे ना मैं अपनी ट्रॉली या फिर कुछ लेके नहीं जा सकता, जैसे कि बॉक्स ऐसे मैं सीधे लेके चढ़ जाऊँगा, बट इस पे मैं ना कोई ट्रॉली नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मेरे अगर मैं इस पे ट्रॉली चढ़ाता हूँ तो ये समझो मैं स्टेयर्स को ना कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ एक टाइप से, तो इसलिए मैं लेके जाना नहीं सकता। और आधी मेरी ना भाई वो ही टूट जाएगी, ये जो बनी हुई है ना बॉक्सेस की सारी टूट जाएगी, तो मैं नहीं चाहता इसके पास ट्रॉली आसपास भी दिखे या स्टेयर्स भी भाई आसपास दिखे, तो इससे इन सब चीज़ों को दूर रखना है। हाँ एक एक करके बॉक्स लेके जाएंगे आराम आराम से, कोई नहीं धीरे धीरे काम होगा, कोई बात नहीं, बट अपना काम ना ऊपर छत वाला भी चलाते रहेंगे। थर्ड फ्लोर में वैसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, जितनी ज़्यादा हमारी सेकंड फ्लोर में तुम्हें पता है ट्रॉली ये सब चढ़ा लेते हैं, थर्ड फ्लोर हमारा खुद मेड किया हुआ रूम है, तो उसके लिए भाई टाइम तो लगेगा। तो चलो, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जो अपना घर है उस पर भी तो सेकंड फ्लोर बन ही सकता है, शायद अगर मैं ट्राई करूँ तो सेकंड फ्लोर उस पर भी बन जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। अब तुम मेरे को कमेंट में बताओ मेरे को वहाँ पे सेकंड फ्लोर बनाना चाहिए या नहीं। और यहाँ पे एक दिक्कत हो चुकी है, देखो एंड में मैं अपने बॉक्सेस ले तो आया हूँ, बट यहाँ पे ना मेरे सिर पे वो जो भाई ऊपर की छत है ना अपनी शॉप की वो लग रही है, तो इस कारण ना मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। दो मिनट रुको, यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा जिससे कि ना मैं ऊपर जा सकूं, बट मुझे नहीं लग रहा कि मैं ऊपर जा पाऊँगा। दो मिनट, बॉक्स को हटाओ, एक तो मेरे पास कुछ इन्वेंट्री भी नहीं है जिससे कि मैं ऊपर जा पाऊँ, तो कोई बात नहीं ट्राई करते हैं। और मेरे को लग रहा है क्यों कि हमें एक अलग से एक और स्टेयर बनानी पड़ेगी जिससे कि मैं ऊपर जा सकूँगा। यहाँ पे देखो इस बॉक्स को भी लगा सकता, बट एक सेकेंड, इसको अगर मैं ऊपर चढ़ जाऊँ तो इस बॉक्स को मैं लगा सकता हूँ, पर यार इस पर लगेगा ना ये बॉक्स, तो मेरे को यार एक और स्टेयर्स के साथ में ना बनानी पड़ेगी मुझे जहाँ तक लगता है। बॉक्सेस कम पड़ेंगे तो इसी के बॉक्स निकाल लेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए ना मेरे को देखो यार एक और स्टेयर बनानी पड़ेगी जिससे कि ना हम अच्छी तरह ऊपर चढ़ पाएँ, कोई छत छुत पे ना मेरा सर भी ना लगे। तो ठीक है, अभी के लिए ना मैं एक और स्टेयर बनाना शुरू करता हूँ। इस स्टेयर ने ना सारा काम ख़राब कर दिया भाई, फालतू में इस स्टेयर को मैंने बिल्ड करा और सारा काम ख़राब हो गया, तो इसके साइड में एक ना स्टेयर बनाता हूँ अच्छी सी। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़े थोड़े बॉक्सेस लगाते हैं और ऐसे ही बस मेरे को काम करते जाना है, और हमारी जो स्टेयर है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। ठीक है गाइस, बस बाकी मेरे को बॉक्सेस का काम कंप्लीट करना है, बस मेरे बॉक्स ना ये ख़त्म ना, वैसे मेरे पास अंदर बॉक्स पड़े हुए हैं, पर ठीक है अगर ये बॉक्स ख़त्म नहीं होते तो मैं अंदर से बॉक्स लेके ही क्यों आऊँगा। तो चलो अभी ना यहाँ पर मैं और बॉक्सेस लगा लेता हूँ। ठीक है, नो क्लीनिंग स्प्रे भाई सब है, दो मिनट, अभी मैं थोड़ा अपना थर्ड फ्लोर का काम कर रहा हूँ।
नहीं तो यहाँ मैं बॉक्सेस लगाता ऊपर की तरफ भी, जिससे कि तुम्हें सारा का सारा सामान अवेलेबल मिल जाता। कोई बात नहीं, हमारे बॉक्सेस का कुछ तो फ़ायदा हुआ भाई, इतने सारे बॉक्स लाने का। स्टेयर्स के तो काम आ रहे हैं ये। तो ठीक है, मेरे पास कितने बॉक्स पड़े हुए हैं नीचे की तरफ? अभी मेरे पास 3-4 बॉक्स हैं, और मुझे यहाँ तक लगता है ये बॉक्स अभी मेरे को इतना तो ऊपर नहीं पहुँचा पाएंगे, बट ठीक है जितना पहुँचा दे उतना ठीक है। अभी 2 बॉक्सेस पड़े हैं मेरे पास तो डन। अरे भाई गिरना नहीं है यार, इसके साइड में मेरे को वॉल्स लगाने पड़ेंगे। अगर वॉल्स लग गए तो भाई स्टेयर के काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ये जान लेना तुम, अगर यहाँ पे वॉल्स लग चुके होंगे तो। ठीक है, अभी हम इन वाले बॉक्स का भी उपयोग कर ही लेते हैं अच्छी तरह। तो ठीक है, यहाँ पे इसको लगाओ, यहाँ पे इस वाले बॉक्स को लगाता हूँ। वेट 2 मिनट, यहाँ पे इस बॉक्स को लगा लिया है। ठीक है, बस एक और बॉक्स और यहाँ मेरा काम बस कंप्लीट होने ही वाला है। तो ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हो गया, बस यहाँ पे एक बॉक्स लगाओ और मेरे हिसाब से मैं ऊपर जा सकता हूँ। बस थोड़े से और बॉक्स और यहाँ मेरा काम होता है कंप्लीट। ठीक है गाइस, यहाँ मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं आराम से स्टेयर्स पे अपने चढ़ सकता हूँ और हाँ यहाँ से आराम से अपने बॉक्सेस को लेके जा सकता हूँ ऊपर की तरफ। बस मेरे को ना एक यहाँ पे डोर फ्रेम लगाना पड़ेगा 2 मीटर को। मैं ना ऊपर चढ़ता हूँ, फिर तो मैं दिखाता हूँ कैसे मैं चढ़ सकता हूँ इसमें, और मेरे को जंप मार मार के चढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं सीढ़ियों की तरह मैं आराम से चढ़ जाऊँगा। तो ठीक है गाइस, यहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा ऊँचे नहीं, नहीं नहीं इतना भी ठीक है। मेरे को एक बॉक्स लेके चलना चाहिए ऊपर की तरफ। 2 मिनट रुको, यहाँ पे ना मैं एक बॉक्स लेके चलता हूँ ऊपर और फिर देखते हैं हमारा ये कैसा बना। और साइड में ये वॉल्स तो लग नहीं सकते, मतलब ये बॉक्स लग नहीं सकते, बट जैसे भी लगे अभी ठीक है मेरे को जहाँ तक लगता है। तो मेरे को लगा देना चाहिए बॉक्स। 2 मिनट रुको यार, यहाँ पे ना बॉक्स लगने वाला नहीं है, नहीं तो ना मैं आराम से यहाँ से चढ़ने का बनाता, जिससे काफ़ी ज़्यादा सही रहता। बट यार ये एक तो ना नीचे इसके ना साइड में सही में वॉल्स लग जाए ना, काफ़ी ज़्यादा मेरा फ़ायदा होगा। 2 मिनट रुको, इस बॉक्स को यहाँ पे रखो और जितने बॉक्स मेरे बचे हुए ना इनको भी ना मैं स्टेयर्स में लगाना पड़ेगा। 2 मिनट रुको, इनको भी ना मैं रख देता हूँ भाई। इन बॉक्स में सामान है, प्रोडक्ट्स है, वो वेस्ट नहीं कर सकता। वैसे पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, अब दिक्कत नहीं है, बॉक्सेस जितने मर्जी लाऊं और पैसे काफ़ी सारे कमाऊं। बट हाँ, बड़े बॉक्सेस का भी फ़ायदा है और छोटे बॉक्स भी ले सकता हूँ वैसे मैं अपने छत के लिए। वैसे मेरे को कमेंट में बताना छोटे बॉक्सेस कैसे रहेंगे, बट छोटे बॉक्सेस मेरे को काफ़ी सारे लेने पड़ेंगे और मेरी हालत ख़राब हो जाएगी पूरे बॉक्सेस को लगाने में। तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तुम्हें बताया, रात भी हो चुकी है, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे भी हमारा काम यहाँ पर चल रहा है। बट यहाँ मेरे को लगता है कि इन स्टेयर्स के साइड में यार बाहर तो वॉल्स लग ही नहीं सकते, अगर लग सकते तो मैं खुद का गैराज ना बना लेता। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी के लिए, और यहाँ पे बस एक काम हो सकता है कि अपना डोर फ्रेम लगाऊं। और यहाँ पे 2 मिनट, मेरे पास ना एक चिप्स का रैक पड़ा हुआ था सेल्फ समझो, और उसको मैं लगा सकता हूँ 2 मिनट। हाँ, चिप्स डिस्प्ले यार इन सबको भी मैं यूज़ नहीं कर सकता बाहर की तरफ, अगर होता ना मैं इसको ही लगा लेता, जिससे कि ना मैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ जाता। और वो देखो हमारी स्टेयर कैसे बनी है। कोई नहीं, इसको मैं जैसे तैसे करके परफेक्ट बनाऊंगा, अभी थोड़ा ऊपर का काम ख़त्म कर लूँ फिर ये मैं परफेक्ट कर दूंगा। तो ठीक है गाइस, आज हमने काफ़ी सारा काम कराया और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी सारी वॉल्स लगा ली हैं और स्टेयर्स भी बना ली हैं और प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ पे सेल हो रहे हैं। तो चलो गाइस, इस वाले एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप सबको वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी कर दो, कमेंट करके बताओ ये वाला एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।